हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के पोइचा में स्थित नीलकंठ धाम की। अगर आप नीलकंठ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नीलकंठ धाम कैसे पहुँचे, कहाँ रुके तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है, इस मंदिर की आरती एवं दर्शन की क्या समय है, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ धाम पहुंचना कैसे है। तो आपको बता दें कि नीलकंठ धाम की सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन राजपिपला है, जो मंदिर से करीबन 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है। स्टेशन पहुँचने के बाद आप वहाँ से टैक्सी या ऑटो के द्वारा नीलकंठ धाम पहुँच सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको बड़ोदरा हवाई अड्डा आना होगा। यह हवाई अड्डा नीलकंठ धाम से करीबन 66 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बड़ोदरा का हवाई अड्डा देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा पहुंचने के बाद आप वहां से प्राइवेट टैक्सी या कैब लेकर नीलकंठ धाम पहुँच सकते हो। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण साल 2013 में बनाया गया था, जिसे पर्यटक और श्रद्धालु के लिए 2014 में प्रवेश के लिए खोला गया था। नीलकंठ धाम पोइचा में भगवान स्वामी नारायण की बड़ी दिव्य स्वरूपवान प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान शंकर का शिवलिंग के साथ भगवान शिव की प्रतिमा नीलकंठ वर्णी और भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके दर्शन करके श्रद्धालु अपने मन को शांति का अनुभव करते हैं। नीलकंठ मंदिर करीबन 105 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। मंदिर के द्वार पर भगवान नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित है। नीलकंठ धाम मंदिर में बड़ा और सुंदर सरोवर बना हुआ है। बीच में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में बहुत सी आकर्षक चीज़ें देखने लायक है, जैसे कि म्यूजियम, लाइट शो, मिरर हाउस, हॉरर हाउस, बोटिंग इत्यादि। आपको बता दें कि म्यूजियम सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चलता है, और टिकट प्राइस है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 140 रुपया पर पर्सन, स्टूडेंट और बच्चों के लिए 80 रुपया पर पर्सन, और लाइट शो की टाइमिंग है शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक। और अगर आप नीलकंठ धाम की आरती और दर्शन करना चाहते हो तो आपको बता दें कि मंदिर के दर्शन का समय सुबह 9:30 बजे से रात 8 बजे तक का है। मंदिर में सुबह की आरती 5 बजे से 6 बजे तक का है, और शाम की आरती 5 बजे से 6 बजे तक का है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं नीलकंठ धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सी है। तो आपको बता दें कि आप नीलकंठ धाम यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह स्थान ऐसी जगह पर है कि आपको किसी भी मौसम में परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पहुँचने के बाद आप कहाँ रुके तथा भोजन की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि स्वामीनारायण में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था उपलब्ध की गई है, परंतु मंदिर के भोजन के लिए आपको थोड़ा शुल्क चुकाना पड़ेगा, लेकिन यह शुल्क प्राइवेट होटल से कम होता है। इसके अलावा यह स्थान पर फूड कोर्ट भी बनवाया गया है, जिस स्थान पर पर्यटक फास्ट फूड खरीद सके। पोइचा मंदिर परिसर में पर्यटकों को शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर भी उपलब्ध है, जिससे पर्यटक अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सके। अब हम बात करते हैं यहाँ कहाँ रुके। स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा के समय अगर आप चाहें तो मंदिर परिसर में भी ठहर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 प्रकार के रूम मिल सकते हैं, जिसमें आपको एसी वाले रूम का रेट करीबन 1000 का दिन का रेट होता है, और बिना एसी वाले रूम आपको 500 रुपये के रेट में मिल सकता है। तो दोस्तों, यह है नीलकंठ धाम की संपूर्ण यात्रा। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा से भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूँ। धन्यवाद।